मेरे पास मकान तोड़ने का नोटिस भेज दिया, क्या मतलब हुआ सर? मेरे को वो कभी निगम वाले से परेशान करवाई जा रही है, कभी किसी पुलिस वाले को पैसे दे के भेज देती है मेरे घर पे, कभी लेंटर तोड़ देती है, कभी सेंटरिंग तोड़ देती है सर, इतना परेशान कर रखा है सर मेरे को, बस जीना आराम कर रखा है। रोहतक में जी का जंजाल बन चुकी है प्रॉपर्टी आईडी, किसी की भूमि का मालिक बदल जाता है तो किसी का एरिया। आज हरियाणा के रोहतक में नगर निगम में आयोजित खुले दरबार में सबसे अधिक शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कतों से संबंधित पहुंची। जी हां, प्रॉपर्टी आईडी में किसी जमीन के मालिक को बदल दिया गया तो किसी की जमीन को ही कम दिखा दिया गया, वहीं कई लोगों को टैक्स भरने के बाद फिर से नोटिस भेज दिया गया। खुले दरबार में शिकायत पहुंचने के बाद आयुक्त ने समय पर कार्यवाही नहीं करने के चलते क्लर्क को भी सस्पेंड कर दिया। आपका नाम क्या है? रामानंद त्रिपाठी, चिन्नौट कॉलोनी रोहतक। क्या समस्या है? 806/25 हमारा मकान है, 61-60 गज का प्लाट है और हमारा नाम भी काट दिए, 30 गज के प्लाट की वो आ गई है रसीद। अभी तक नहीं कुछ हुआ। राघव वशिष्ठ, इंदिरा कॉलोनी निवासी रोहतक। मेरी अलॉटमेंट 15/3/2022 को हो चुकी थी, नगर निगम से हमको लेटर मिल चुका था कि आपके सारे काम कंप्लीट हैं, ये हमारे नाम अलॉट होना था, लेकिन नई आईडी हमने जब भी दी, कम से कम 4 बार हम दे चुके हैं कि हमारी नई प्रॉपर्टी आईडी दे दो, ये कोई ना कोई मामला लगा के उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और अब हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, उम्मीद कल मिल जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने फाइल रिजेक्शन में डाल दी। 127 गज का हमारा प्लाट है जो इंदिरा कॉलोनी में सरकार द्वारा काटा हुआ, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा, इसमें 8 हिस्सेदार हैं हम, और हमारे 8ों के नाम अलॉट हो चुका है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी के बाद हमारे नाम चढ़ेगा तो हमको प्रॉपर्टी आईडी अब तक नहीं मिली है। मेरा नाम सत्यनारायण सैनी, सनोप श्री ताराचंद सैनी, मैं सैनी आनंदपुरे का रहने वाला हूँ। मेरी 3-4 आईडियाँ हैं और सारी की सारी वो अब फिर गलत बना रखी है। इसी तरह एक मेरा मकान है सैनी आनंदपुरा में, मैंने उसका हाउस टैक्स क्लियर कर रखा है, अब इन्होंने नया सर्वे जो दिखाया उसमें मेरा मकान ही बदल दिया इन्होंने, मकान भाई के मिसिज के नाम, खजानी के नाम दिखा रखा है, और मैंने उसका हाउस टैक्स क्लियर दिखा रखा है, भर कर रखा है, अब फिर हाउस टैक्स दिखा दिया। इसी तरह एक प्लॉट मेरा बाईपास पे है, वो 1037 गज का है, उसका मैंने टैक्स भर दिया, क्लियरेंस मेरे पास है, नो डूज मेरे पास है, अब जो नई आईडी बनाई उसमें उसका एरिया भी घटा दिया और उसका टैक्स भी फिर दोबारा लगा कर दिखा दिया। इसी तरह इतनी समस्याएं हैं, इसी तरह ये भाई साहब बैठे, इनके भी अलॉटमेंट हो चुकी है ना, उनको आईडी बना रहे, 3-4 बार फाइल लगा ली, हर बार रिजेक्ट कर देते हैं। सर मेरा नाम है आशीष फोगाट, मैं यहाँ बाबरा मोहल्ला कोर्ट स्कूल के पास का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है सर, मैं 30 गज जगह है, मेरे नाना मेरे नानी ने मेरे को दान में दी हुई है, गोड स्कूल के पास मेरे को दान में जगह दे के, मैं बचपन से मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मेरे माँ और मेरे पिताजी पहले एक्सपायर हो चुके हैं, बचपन से मैं इनके पास रहा हूँ, तो इन्होंने मेरे को ये ज़मीन अपने ये कह दी है, भाई तू हमारे पास बचपन से रहा है तो इस ज़मीन पर तू अपना मकान एक कमरा बना ले। मैं जब अपना एक कमरा बनाने लगा तो गली में है DTP के पद पर कार्यरत है कीर्ति फोगाट, उसका घरवाला वीरेंद्र फोगाट, वो कह रहा है मैं तेरे को नगर निगम की गाल, ये मेरे घर की गाल है, इस गली में तेरे को मैं एक गज भी रास्ता नहीं दूंगा, मैं तेरा छज्जा भी नहीं डलने दूंगा, और मेरा लट्ठी डंडे मार के मेरे छज्जे को गिरा दिया, मेरे लेंटर को गिरा दिया, मेरे को परेशान कर रहा है, कभी पुलिस वाले भेज देता गोकर्ण चौकी से, कभी मेरी गोकर्ण चौकी में मैंने शिकायत दी है कोई सुनी नहीं हुई, 24 घंटे से ऊपर हो लिया मेरी कार्रवाई को, मेरा छज्जा डंडे मार के, ये देखो ये उसका वीडियो है, ये उसका फोगाट, ये डंडा लेके खड़ा है जो, ये देखो ये डंडा लेके खड़ा है, डंडा मार के लठ मार के इसने मेरे छज्जे को गिरा दिया। कमीशन साहब ने, मैंने कमीशन साहब को बोल दिया, जो मेरी नक्शे की फीस है, जो भी मेरा जो भी जुर्माना वगैरह है, मेरे 30 के एक कमरे का वो जुर्माना हर जाना मैं भरने के लिए तैयार हूँ, मेरा एक कमरा बनाकर मुझे दिया जाए, मेरी कमीशन साहब से यही दरख्वास्त है। गरीब आदमी को सताया जा रहा है सर, DTP के पद पे है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो किसी को शहर में जीने नहीं देगी, मेरे पास मकान तोड़ने का नोटिस भेज दिया, क्या मतलब हुआ सर मेरे को, वो कभी निगम वाले से परेशान करवाई जा रही है, कभी किसी पुलिस वाले को
पैसे दे के भेज देती है मेरे घर पे, कभी लेंटर तोड़ देती है, कभी सेंटरिंग तोड़ देती है सर। इतना परेशान कर रखा सर मैंने को, बस जीना आराम कर रखा है। देखिए हमारे पास डेली की डेली कुछ ना कुछ तरह की शिकायतें आती थी, तो उसमें कई बार ये आती थी कि कई बार हमारे अफसरान से ऑफिसर मिलते थे लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाता था, तो साथ ही साथ कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसके कारण से वो रिजॉल्व नहीं आते। अब हमने जो आज खुला दरबार लगाया या आज हमने जो समाधान दिवस लगाया जिसको हम चाह रहे हैं, उसको एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर हमने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट 15 डेज में जितनी भी ये 100 एप्लीकेशन के लगभग आ जाती है, उन 100 एप्लीकेशन को टाइम बाउंड मैनर के अंदर हम उसको रिजॉल्व करेंगे। दूसरा, इसके अंतर्गत जितनी भी तरह की प्रॉब्लम आई है अगर वो टेक्निकल नेचर के है, तो उसमें जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारा जो डाटा दिया गया था लेकिन वापस वो डाटा पुराना हो गया या उसको अपडेट नहीं शो कर रहा, तो उसमें हम जो कंपनी सर्वे कर रही है उससे टेकअप करेंगे। तीसरा, अगर हमारे लेवल पर बार बार रिजेक्शन हो रही है तो रिजेक्शन का कारण क्यों बन रहा है उसको समाधान करेंगे। चौथा, हमारे लेवल पर जो प्रोसेसिंग होनी चाहिए, जो नंबर ऑफ जैसे रेजिडेंशियल से इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल से रेजिडेंशियल करने की जो प्रक्रिया है उसमें हम स्मूथ करें, थोड़ा फास्ट करें, तो ये सारे इश्यूज आए थे, हमने उन सबको रिजॉल्व करके नोट कर लिया है। अलग अलग प्रकार के इश्यूज भी नोट किए हैं और हमने ये एक पहली शुरुआत की है ताकि जनता को फेस टू फेस हम करें, उनको सुविधा दें, और हम थोड़ा सा अगर कहीं पे कोई करप्शन का भी इशू है तो उसको भी हम रिजॉल्व करें, और पता चले कि कहीं पे कोई जानबूझ के हमारी प्रक्रिया को खराब करना चाह रहा है या उसको मिसलीड करना चाह रहा है। देखिए ऐसा है कि अभी तक तो जो 90% इशू आया है वो है कि हमारा जो डेटा है जो अभी अपलोड हुआ है, इंटीग्रेट हुआ है, उसमें कुछ दिक्कत है। दूसरा, हमारे पास जो इशू आया है कि हमारा रिजेक्शन ज़्यादा है, ये दो इश्यूज निकल के आए हैं, बाकी बहुत एक दो एप्लीकेशन ही आई है। अधिकारियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए अधिकारी हमारे लगे हुए हैं, हम थोड़ा सा ये रखना चाहते हैं कि जनता हमारे साथ कोऑपरेट करे। जो इश्यूज टेक्निकल नेचर को हैं वो हम खुद ही समझ में आ रहा है कि टेक्निकल नेचर के जो इश्यूज हैं वो उसमें हम अगले से टेकअप करेंगे। जो मैनुअल लेवल पे कोई इश्यूज हैं उसको हम एक्सपेडाइट करने की कोशिश करेंगे। हर मंथ लगे? हर मंथ 15 तारीख को। देखिए ऐसा है कि कुछ तो प्रेशर जो हमारा है, आप खुद देख सकते हैं कि आज एप्लीकेशन 100 आ रही हैं, तो एक सभी कर्मचारी के ऊपर भी आप देखिए कि ना नंबर ऑफ एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली कई बार तो हो सकता है कि कई शिकायत आ गई हो, अटेंड नहीं कर पाए हो अच्छी तरह से, लेकिन हम कोशिश करेंगे, लगातार प्रयासरत रहेंगे कि उसको ठीक करा जाए। कर्मचारी के ऊपर प्रेशर तो रहता ही।